कुछ भी बोलो यार, अभी हम बड़ोक पहुंच चुके हैं और मैं अभी काफी टाइम बाद इस रूट पे जा रहा हूँ टॉय ट्रेन वगैरह से कम 5-6 साल बाद। भाई कुछ ही बोलो बोलो बस से, और उससे ज्यादा मजा इसमें है। बहुत बढ़िया अपना एनवायरनमेंट है, ना कोई ज्यादा थकावट है, मतलब कि इतने अच्छे अच्छे व्यू है, टनल वगैरह से होके जाते हैं, मतलब इतने बढ़िया मैं बता नहीं सकता। जब आप खुद इन ट्रेन में सफर करोगे तब आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। भाई बहुत बढ़िया है, क्रॉसिंग है, पहले वो वाली चलेगी या चलेगी वो जाएगी भाई, फिर तो क्रॉस हो जाते हैं। और ये जो आप येलो जैकेट में भैया देख रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे ही ट्रेन जो कोच है उनमें सफ़र कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो ये खुद लोको पायलट है और पहले इसी रूट पे ट्रेन चला चुका है, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी और बाकायदा इस ट्रेन के बारे में भी सारा बताया, इस रूट पर क्या क्या है क्या नहीं है, इंजन के बारे में। जब मैं आपको पहले बोल रहा था कि ये 1500 हॉर्स पावर का इंजन है, नहीं ये 700 हॉर्स पावर का इंजन है, और काफ़ी और भी अच्छे अच्छे वो की, और तो और इन्होंने इतनी भी हेल्प की, जब भी कोई अच्छा व्यू आने को होता था तो ये मुझे पहले ही बोल देते थे कि भाई अच्छा व्यू आने वाला है, अपना कैमरा वैमरा रेडी कर लो। काफ़ी अच्छे हेल्पफुल थे ये भैया। लो भाई, और अभी हम अपना बड़ोग से निकल रहे हैं। और इस ट्रेन रूट पे सबसे बेस्ट बात क्या है कि आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि आप आज के इरा में आप जर्नी कर रहे हैं, आपको ऐसे लगेगा कि आप अपने वो 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, या जो भी जिस टाइम पे अंग्रेज वगैरह या हम इंडियन ही इसमें सफ़र किया करते थे पास्ट में, तो अभी भी बिल्कुल ये पूरे ट्रैक रैक जो भी रेल के अपना डब्बे वगैरह है, हाँ थोड़ा इंजन के हॉर्स पावर, इंजन बिल्कुल न्यू है, बाकी आपको स्टेशन से लेके पटरी और व्यू तक बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप पुराने टाइम में ही सफ़र कर रहे हैं। तो आपको भी अगर पुराना टाइम देखना है कि हमारे जो पूर्वज है या जो अपने आ रहे बड़े लोग हैं वो कैसे सफ़र करते थे, तो आप इस ट्रेन में सफ़र करके बिल्कुल उन जैसा ही अपना फीलिंग ले सकते हैं। और ये अभी हम पहुंच गए हैं सोलन, और ये नीचे नीचे रोड पे गिरे हैं। फोर लेन हाईवे बना दिया, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अभी यकीन नहीं करोगे, चंडीगढ़ से शिमला 100 किलोमीटर के आसपास है और मुझे 1.25 घंटा लगता है बाइक के ऊपर।
हाँ गाड़ी वगैरह में और बस में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2.5-3 घंटे, बट बाइक भाई मेरे पास दूसरी है थोड़ी स्पोर्ट्स थोड़ी, वो आपने देखी होगी भाई। सोलन भी बहुत बड़ा सिटी है, देखिए कहाँ कहाँ तक ऊपर तक फैला हुआ है। फोन वगैरह छीनने की और वो वाली घटनाएं नहीं होती ज़्यादा, आप काफ़ी सेफ फील करोगे। जैसे और जगह तो क्या होता है कि आपको फोन वगैरह आप बाहर खड़े रखते हो तो फोन आपका छीनने की बहुत ज़्यादा होती है। अभी ऐसे हम सोलन रेलवे स्टेशन आगे भी देखते हैं। लो भाई अभी हम आ गए हैं सोलन, और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये सामने एक ये रेल कार है और इसमें मैं आया हूँ भाई, बहुत अनकंफर्टेबल होती है, आपको अंदर ही धुआं वगैरह और सब कुछ अंदर ही फील होता रहता है। बाकी अब ये देख सकते हैं इसकी जर्नी में मजा आ रहा है या ऐसे धुआं धुआं हो रहा है अंदर ही अंदर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल है बिल्कुल। नहीं मैंने एक सफर किया हुआ पहले तो प्रॉब्लम हो रही थी उसमें तो। ये स्पेसिफिकली भाई ये देखिए, मतलब बस टाइप बनाई हुई है इन लोगों ने। पहले इस पे क्या होता था, इसमें जैसे कोई VVIP वगैरह मूवमेंट है उसके लिए है, तो नॉर्मल दिनों में ये डेली आप कह जे पैसेंजर के रूम में भी आप जा सकते हैं इसमें, वो ये फर्स्ट क्लास का आपका इसमें किराया लगता है। बट भाई जब मैंने सफ़र किया था बहुत अनकम्फर्टेबल। हाँ सुपर फास्ट है ट्रेन वगैरह, 5-5.5 घंटे लेती है, ये 4 घंटे में आपको शिमला से कालका पहुँचा देती है। बट अंदर ही अंदर धुआं वगैरह काफी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर इंजन दिया हुआ है। ये एक बस जैसी होगी। तो भाई हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, आज
कोई ना नहीं सो और अभी हम ये सोलन रुके थे घाट आने वाला है और कंडा घाट पे क्या की है एक आपको ना पुल दिखाऊंगा मैं अंग्रेजों के टाइम का पुल है और उसकी इंजीनियरिंग देखना कितनी मस्त है पुल के ऊपर पुल बना के बहुत ऊंचा पुल बनाया हुआ काफी यार इन पहाड़ों में ये पेड़ वगैरह काट दिए भाई भैया आपका नाम क्या है नितिन तो इसमें आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हो या पहले भी किया है तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक तो अच्छा है अच्छा है ओके और कहाँ से आए हो वैसे आप हम हरिद्वार से अच्छा हरिद्वार से हो चलो भैया भैया आपका इस टॉय ट्रेन में फर्स्ट सफर है या इसे पहले भी किया हुआ है मैं तो एक्सपर्ट हूं यार अच्छा आपको कोई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पे और सफर कौन कर रहा है फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो कोई तो कैसा एक्सपीरियंस आपका सोसो है या बढ़िया है लो भाई हम कंडा घाट पहुंच चुके हैं और जो इसकी हाइट है वो है 1433 मीटर बाकी लगता है कोई और ट्रेन भी आ रही है क्रॉसिंग वगैरह लग रही है बाकी भाई कुछ भी बोलो जो पहाड़ों पे ग्रीनरी है मतलब कि अगर आप थोड़े बहुत बीमार वगैरह हो अगर आपको पोल्यूशन वगैरह से प्रॉब्लम हो रही है तो हफ्ता 10 दिन आप पहाड़ों में आ जाओ यार आप बिल्कुल अगर ठीक होके नहीं गए ना तो नाम बदल देना यार कुछ भी बोलो सिर्फ फिजिकली नहीं आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा अच्छे फील करोगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के जाओगे ये है इसकी जनरल क्लास इसमें और लेते हैं देखिए कैसा फील हो रहा है भाई इसमें आप में कोई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इसमें फर्स्ट टाइम जा रहे हो भाई कैसा एक्सपीरियंस आपका इसमें बढ़िया लग रहा है और कोई रिपीट कर रहा हो रिपीट कर रहे हो
तो फर्स्ट टाइम जैसा ही वो है या अभी थोड़ा बहुत फर्क है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा आप लोकल हो? अच्छा फिर तो आप तो डेली करते रहते होगे। चलो भाई लो भाई, हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। और अभी वो वाला पुल भी आएगा। जिस पुल की बात कर रहा था वो आ चुका है, कंडा घाट से निकल के शिमला की तरफ जाते हुए आता है, बहुत ऊंचा है। ट्रेन की परमिशेबल स्पीड है 20 या 30 है।